सोनाली फोगाट मर्डर केस में बड़ा खुलासा। पीए सुधीर सांगवान ने कबूला गुनाह, साजिश के तहत हुई थी हत्या। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। सोनाली फोगाट हत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गोवा पुलिस के सूत्रों ने खुलासा किया है कि आरोपी सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट मौत में साजिश की बात को कबूल लिया है। गोवा पुलिस के सूत्रों ने दावा किया है कि सुधीर सांगवान ने हिरासत में पूछताछ में सोनाली फोगाट को गुड़गांव से गोवा लाने की साजिश कबूल की है। पुलिस ने बताया कि गोवा में किसी शूटिंग की कोई योजना नहीं थी, गोवा लाना साजिश की योजना थी। गोवा पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनाली फोगाट की हत्या की साजिश बहुत पहले रची गई थी। वहीं इस बीच सीएम प्रमोद सावंत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है। गोवा पुलिस ने पुष्टि की है कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं और ये हत्या के मामले में सुधीर सांगवान को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। गोवा पुलिस को विश्वास है कि वह सुनवाई के दौरान अदालत में काफी मजबूत होकर सोनाली फोगाट की हत्या के आरोपी को जिम्मेदार ठहराएगी। खबर है कि गोवा पुलिस आज आरोपी सुधीर सांगवान के रोहतक स्थित घर पर भी जा सकती है। इस दौरान सुधीर सांगवान के परिवार से पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा सुधीर के घर की तलाशी भी ली जा सकती है। सोनाली फोगाट के भाई वदन ठागा और रिंकू ठागा ने बताया कि गोवा पुलिस से उनकी बात हुई है और उन्होंने जानकारी दी है कि वह आज रोहतक में सुधीर सांगवान के घर पूछताछ के लिए जाएंगे। गोवा पुलिस अभी हिसार में ही मौजूद है। सुधीर सांगवान के घर जाने के अलावा गोवा पुलिस आज कुछ और लोगों के बयान भी दर्ज कर सकती है। फिलहाल गोवा पुलिस लाल डायरी को खंगाल रही है। 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की गोवा में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे। इस मामले में सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उसके सहयोगी सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया था। गोवा पुलिस ने बाद में कर्लिस रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नूनेस और दो ड्रग पेडलर की भी गिरफ्तारी की थी। आप सभी का इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।